हाय स्टूडेंट, PYQ रिवीजन सीरीज में आज हम बात करेंगे वर्क एनर्जी पावर की। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हर साल अगर हम बात करें तो जेईई मेन में, नीट में वर्क एनर्जी पावर के बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लाइक अदर टॉपिक्स, इस PYQ रिवीजन सीरीज में भी मैं आपको सबसे पहले एग्जाम मेमोरी मैप्स बताने वाला हूँ या मेमोरी मैप्स ऑफ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। यानी इस चैप्टर को हम लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट में डिवाइड करेंगे जिनके ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं वर्क एनर्जी पावर की बात करूँ तो जेईई मेन हो या नीट हो, आप ये मान के चलिए जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ चार ही कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। क्विकली पहले चारों कैटेगरीज की बात कर लेते हैं, आप उस चीज को डेवलप भी कर लेंगे और साथ ही अपने जितने भी पुराने क्वेश्चंस आपके पास हैं, चाहे PYQs हैं प्रीवियस ईयर्स के या आपके पास कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन चारों कैटेगरीज में डिवाइड करना या कैटेगराइज करना शुरू कर दीजिए। जिसका सबसे बड़ा फायदा आपको होने वाला है एग्जामिनेशन हॉल में, जब आप वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको चार में से एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है और क्वेश्चन को अटैक करना है। आई कैन अश्योर यू विद दिस मेथडोलॉजी ऑफ एग्जाम मेमोरी मैप और मेमोरी मैप ऑफ क्वेश्चंस, आप एग्जामिनेशन में काफी हद तक अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे, एक्यूरेसी बढ़ा लेंगे, सिली मिस्टेक वो लोअर डाउन टू ऑलमोस्ट जीरो। सो आइए क्विकली देखते हैं एग्जाम मेमोरी मैप ऑफ वर्क एनर्जी पावर। जेईई मेन नीट दोनों में यही चीज़ें काम आएंगी। जेईई एडवांस में ऑब्वियसली लेवल ऑफ क्वेश्चंस अलग होते हैं लेकिन कैटेगरी इन्हीं में से एक हेल्प करती है। तो एडवांस के लिए बूस्टर चेकलिस्ट या ये कहें एडवांस सीरीज के बारे में हम इस PYQ रिवीजन सीरीज के बाद बात करेंगे। और अगेन वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको सबसे पहले जैसे ही ये वीडियो खत्म होता है वर्क एनर्जी पावर के जितने PYQs आपके पास हैं, चाहे स्टडी मटेरियल चाहे किसी बुक के, तो वो सारे के सारे PYQs कोशिश करें इन कैटेगरीज के ऊपर टैग करना स्टार्ट कर दीजिए। सो सबसे पहली चीज़ अगर हम एग्जाम मेमोरी मैप ऑफ वर्क एनर्जी पावर की बात करें तो वो है वर्क कैलकुलेशन। बहुत सारे क्वेश्चन वर्क कैलकुलेशन पे होते हैं और वर्क कैलकुलेशन सिर्फ तीन ही तरीके से किया जाता है। वर्क कैलकुलेशन का पहला मेथड होता है वर्क इज एफ डॉट डेल्टा एक्स। अगर वेक्टर फॉर्म में फोर्स गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट से आप कैलकुलेट करेंगे, फोर्स वेरिएबल है तो आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स करके निकालेंगे। चाहे डॉट प्रोडक्ट लें चाहे लीनियर फंक्शन हो, डिपेंडिंग ऑन एफ और डी एक्स की डायरेक्शन सेम हो तो एफ अगर फंक्शन दिया हुआ है तो आपको इंटीग्रेट करके निकालना है। और तीसरा हमारे पास वर्क होता है दिस एरिया अंडर एफ एस कर्व। अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया हुआ है तो उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया अगर पोजीशन एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, नीचे है तो नेगेटिव लिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द गिवन सिचुएशन। तीन ही पॉसिबिलिटीज होती हैं वर्क कैलकुलेशन की, जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं तीन में से किसी एक पे फिट होंगे। दूसरी वर्क कैलकुलेशन की ही कैटेगरी है या फर्स्ट से रिलेट कर सकते हैं, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसके अंदर आपको बेसिक लॉजिक अप्लाई करना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस जो पॉजिटिव वर्क करें माइनस वर्क डन बाय वो फोर्सेस जो नेगेटिव वर्क करें इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दिस व्हाट यू नीड टू अप्लाई फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी क्वेश्चन में स्पीड कैलकुलेशन के बारे में पूछा जाए तो आप ये मान के चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम से वो क्वेश्चन डायरेक्ट हैंडल होता है। कई बार वर्क कैलकुलेशन भी इसी तरीके से निकाला जाता है, तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट वर्क कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। थर्ड कैटेगरी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी एंड फील्ड फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन आते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है पोटेंशियल एनर्जी जब भी बात की जाएगी किसी ना किसी कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड होगी। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस सारे इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो इन दैट केस वहां पोटेंशियल एनर्जी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। सो आपको हमेशा पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स रिलेशनशिप की बात करें तो फोर्स इज ऑलवेज गिवन एज माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशन ध्यान रखना है। ग्रेडियंट ऑपरेटर को पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म में भी थ्री डायमेंशनली लिखा जा सकता है, विच गिव्स डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। दैट रिलेशन इन थ्योरी बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं, सो जस्ट इस चीज के लिए ध्यान रखना है। पोटेंशियल एनर्जी और फील्ड फोर्स में एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, यू नीड टू कीप इन माइंड, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के भी जो क्वेश्चन आते हैं वो du by dx equals to zero से रिलेटेड आते हैं, जहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं इक्विलिब्रियम की, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या पोटेंशियल एनर्जी आपके पास स्टैटिक है या कांस्टेंट है कंजर्व पोटेंशियल एनर्जी के केसेस। सो दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, थोड़ा सा आप केयरफुल रहेंगे ये वाले सारे केसेस के लिए। और जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव जीरो है दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लास्ट कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं पावर कैलकुलेशन या पावर बेस्ड क्वेश्चन, जिनमें दो तरह के केसेस होते हैं।
एक तो केसेस होते हैं एवरेज पावर से रिलेटेड, एवरेज पावर की कैलकुलेशन आप हमेशा डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी करेंगे या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम से करेंगे, और दूसरे केसेस होते हैं हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर से रिलेटेड, जिसमें पावर को डायरेक्टली आप एफ डॉट वी लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिव्स दी पावर कैलकुलेशन एट दैट इंस्टेंट, यानी ये होती है हमारे पास डी के बाई डी टी या डी डब्ल्यू बाई डी टी। सो ये चार ही कैटेगरीज होती हैं। अब हम कुछ केसेस लेते हैं, जेई मेन 2020 के केसेस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जिसमें हर कैटेगरी पे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया था, ज़्यादा नहीं थे लेकिन टोटल 16 जो पेपर थी 16 शिफ्ट की थी उसके अंदर बात करें तो जितने क्वेश्चन हैं मैं यहाँ पे लूँगा, लेकिन आपको अपने 2019 और उससे पहले के सारे पी वाई क्यूज़ को भी इन्हीं कैटेगरीज में डिवाइड करना है ताकि चारों कैटेगरीज पर आप अपनी अच्छी कमांड बिल्ड कर सकें।